रूस ने कई देशों के सहयोग से कुछ हफ्ते पहले हुए उस समझौते को निलंबित करने का ऐलान किया है, जिसके तहत यूक्रेन बिना किसी बाधा के काला सागर के अपने बंदरगाहों से दूसरे देशों को अनाज निर्यात कर सकता था। रूस का ताजा ऐलान क्राइमिया के बंदरगाह शहर से सेवस्तोपोल में काला सागर में मौजूद अपने बेड़ों पर कथित ड्रोन हमले के बाद आया है। उसका दावा है कि ये जहाज अनाज निर्यात समझौते से जुड़े थे। उसने ये भी कहा कि ताजा हमले से उसके एक जहाज को थोड़ा नुकसान जरूर पहुंचा है। इस हमले का आरोप यूक्रेन पर लगाते हुए रूस ने दावा किया कि 9 हवाई और 7 मरीन ड्रोन से किए गए ये हमले शनिवार की सुबह 4:20 पर किए गए।